क्लास सेवेंथ, आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 11 जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब जानवरों में और पेड़ पौधों में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसी को हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन वर्ड आप कई बार सुने होंगे। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है आना और जाना, जो कि ट्रांसपोर्ट शब्द से मिला के बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है? आना और जाना। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे पूरे शरीर में ब्लड किस तरीके से फ्लो करता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे शरीर से वेस्ट का निकलना, और पौधों में ये सब प्रक्रिया किस तरीके से होती है, इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न्ड अर्लियर डैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। हम सभी ने पिछले चैप्टर में और इसके पहले भी पिछले क्लासेस में भी ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको जीने के लिए खाने की, पानी की और ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। और क्या होता है कि ये सभी चीज़ों को हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना भी ज़रूरी है, यानी जो भी खाना, पानी और ऑक्सीजन है, उसका पूरी हमारे बॉडी के प्रत्येक अंग में पहुँचना भी ज़रूरी है। फर्दर एनिमल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू द पार्ट्स वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। साथ ही साथ एनिमल्स में ये भी चीज़ ज़रूरी है कि जो हमारे शरीर के वेस्ट है वो भी एक जगह पे पहुँचे और वहाँ से वह बाहर निकल ले, यानी हमारे शरीर से और जानवरों के शरीर से क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी हमारे शरीर से निकलना भी ज़रूरी है। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज एजिप्ट। क्या आपने कभी यह सब जानने की कोशिश किया या आपको यह सब जान के आश्चर्य हुआ कि यह कैसे होता है? लुक फिगर 11.1। यहाँ पे फिगर देखिए 11.1। डू यू सी दैट हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये देखिए ये डायग्राम दिया है, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये डायग्राम किसका दिया है, हार्ट का दिया है, और ये सभी क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं, और ये क्या है, वेन्स हैं जो नीले कलर में हैं, और ये रेड कलर में क्या है, आर्टरीज हैं। ये सभी क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं, खून की सिराएँ हैं, और ये वेन्स और आर्टरीज क्या वो करती हैं, वेन्स और आर्टरीज दोनों में, एक में प्योर ब्लड होता है, मतलब प्योर का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, और एक इम्प्योर ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो और ये सभी क्या है, ये सभी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स यानी खून की नलियां हैं जिससे हमारे पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो होता है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में आगे हार्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, फिलहाल आप इस डायग्राम को देख लीजिए। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका काम होता है हमारे सारे शरीर में जो भी सबस्टेंस होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने का, और जब ये एक साथ काम करते हैं तो इसी को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ये सर्कुलेशन का काम करते हैं। इन दिस चैप्टर वी यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट। तो इस चैप्टर में हम सबस्टेंस के ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में बताया कि ऑक्सीजन का, फूड का, वाटर का किस तरीके से हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, हम किस तरीके से जीवित रहते हैं, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली टॉपिक है अब हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम पिछले क्लासेस में पढ़े हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन चीज़ों का मिलकर बना होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ब्लड, ब्लड वेसल्स, इन्हीं सब चीज़ों का मिलकर बना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट ए कट ऑन योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी पर कोई कट लग जाता है तो क्या होने लगता है, ब्लड फ्लोज आउट, तो क्या होने लगता है, उसमें से ब्लड निकलने लगता है। बट व्हाट इज ब्लड, लेकिन ब्लड होता क्या है। ब्लड इज ए फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड क्या है, एक तरीके का फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब क्या होता है, लिक्विड है, जो किसमें बहता है, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स मतलब क्या हो गया, खून की नलियाँ। इट ट्रांसपोर्ट द सबस्टेंस लाइक डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है कि हमारा डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, हमारा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। जब डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ से जो भी फूड, डाइजेस्टेड फूड होता है, उसको हमारे बॉडी के प्रत्येक पार्ट में ले जाता है, यानी हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में जो भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का प्रक्रिया कंप्लीट होता है, डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, उसके बाद ये ब्लड की सहायता से क्या होता है कि ये हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, ये हमारी
बॉडी में क्या करता है ब्लड, इसके अलावा क्या करता है कि जो ऑक्सीजन होता है उसको भी लेता है हमारे लंग से और हमारे बॉडी में जितने भी सेल हैं उन तक पहुंचाता है। यानी हमारे जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। तो उस लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर उसको भी हमारे पूरे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसमें भी पहुँचाने का काम ब्लड का ही होता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल ऑफ द बॉडी, और जो हमारी बॉडी से जो वेस्ट का रिमूवल होना रहता है, निकलना रहता है, यानी जो भी किडनी वगैरह का प्रक्रिया होता है वो भी सारा काम ब्लड का ही होता है। यानी ब्लड की सहायता से क्या होता है कि हमारी शरीर से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वह बाहर होता है। हाउ डस ब्लड कैरी वेरियस सबस्टेंस, तो इन सभी सबस्टेंस को ब्लड किस तरीके से कैरी करता है। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ए फ्लूड कॉल प्लाज्मा, ब्लड जो है वह एक फ्लूड लिक्विड का बना हुआ है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसमें अलग अलग सेल्स पाए जाते हैं। ब्लड जो है किसका बना हुआ है, प्लाज्मा का बना हुआ है। इस समय प्लाज्मा का आपने नाम सुना होगा कोरोना वायरस में कि प्लाज्मा थेरेपी से क्या हो रहा है कि ट्रीटमेंट हो रहा था, बीच में आप सभी ने इसके बारे में नाम सुना होगा। तो ये क्या होता है, जो ब्लड, ये ब्लड से ही रिलेटेड चीज़ है। तो जो ब्लड है वह फ्लूड का बना हुआ है, जिस फ्लूड का बना हुआ है उसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के सेल होते हैं। देखिए यहाँ पे पहेली क्या सोच रही है, व्हाई इज़ द कलर ऑफ ब्लड इज़ रेड, ब्लड जो होता है उसका कलर रेड क्यों होता है। अभी आगे इसका आंसर दिया है तो चलिए देख लेते हैं, पहेली का भी आंसर पता चल जाएगा और ब्लड किस तरीके से वर्क करता है ये भी पता चल जाएगा। तो जो हमारा ब्लड है वो क्या होता है कि वो एक लिक्विड से मिलकर बना होता है, फ्लूड से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा में अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आरबीसी। देखिए यहाँ पे है रेड ब्लड सेल, क्या होता है, आरबीसी होता है, जिसे क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल कहते हैं। विच कंटेन ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जिसमें एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है, यानी रेड कलर पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन बिंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू द सेल्स। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, मतलब मिल जाता है, चिपक जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिल जाता है और हमारे पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यानी फैल जाता है, चला जाता है, और साथ ही साथ यहाँ तक कि हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें भी चला जाता है। क्या चला जाता है, जो ऑक्सीजन चला जाता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो इस तरीके से वो पूरे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफिशियंटली टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन, बिना हीमोग्लोबिन की सहायता से जो हमारे सेल्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन का पहुँचना संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब मिक्स होते हैं, एक साथ मिलते हैं, तभी ये हमारी पूरी बॉडी के सेल्स में पहुंचता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा कि वो हमारे सेल्स में नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हीमोग्लोबिन की कमी होने पे क्या होने लगता है, हमारी बॉडी में कमजोरी होने लगती है। हमारी बॉडी में कमजोरी होने लगेगी मतलब जो हमारे सेल्स है उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड, हीमोग्लोबिन के ही वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड का कलर लाल होता है। तो पहेली के क्वेश्चन का क्या आंसर होगा कि ब्लड का कलर रेड किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। द ब्लड ऑल्सो हैज वाइट ब्लड सेल WBC विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे इंटर आवर बॉडी। इसके अलावा ब्लड में एक दूसरा सेल पाया जाता है जिसे वाइट ब्लड सेल कहते हैं, जो कि WBC होता है, जो जिसका काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में जो भी जर्म्स इंटर करते हैं उनसे ये लड़ता है, उनसे ये लड़ने का काम करता है, फाइट करने का काम करता है। तो हम क्या देखें कि हमारा ब्लड जो है वो एक फ्लूड से मिलके बना हुआ है, ठीक है, जो कि जिसे कि हम प्लाज्मा कहते हैं, ओके। और ये प्लाज्मा जो है ये भी अलग अलग सेल से मिलके बना हुआ है। तो ये प्लाज्मा जो था उसमें हम कौन कौन सा देख लिए, उसमें हम देख लिए WBC वाइट ब्लड सेल, और क्या देख लिए, RBC, इन दोनों को देख लिए। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल, RBC मतलब रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में क्या होता है, ये रेड कलर का होता है, किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन से जब ऑक्सीजन क्या करता है, मिलता है, तो इस तरीके से ये हमारे पूरे बॉडी के सेल में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, ठीक है। और वाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है, वाइट ब्लड सेल का काम ये होता है कि जो भी हमारे शरीर में जर्म्स इंटर कर रहे हों तो उनसे ये क्या करता है, फाइट करता है, लड़ाई करता है और हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, बूजो फेल्स डाउन वाइल प्लेइंग ए गेम एंड हिज नी गॉट इंजर्ड। क्या हुआ कि बूजो खेल रहा था और खेलते खेलते गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, और जहाँ उसको चोट लगी वहाँ से उसके ब्लड आने लगा। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैज स्टॉप एंड ए डार्क रेड क्लॉथ हैज प्लग्ड द कट, और
क्या हुआ, कुछ समय बाद बूजो को क्या देखने को मिलता है कि उसका जो खून बह रहा था वो रुक गया और वहाँ पर रेड रेड कलर का जम गया, यानी वहाँ पर खून जो था वह जम गया। बूजो वॉच पजल्ड अबाउट दिस, बूजो को ये देख के काफ़ी आश्चर्य हुआ, कन्फ्यूज हो गया बूजो कि ऐसा क्या हो गया। द क्लॉथ इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इज इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। ब्लड में एक तरीके का और सेल पाया जाता है जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स की वजह से क्या हुआ कि जो ब्लड की क्लॉथिंग हो जाती है यानी ब्लड जम जाता है। किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से होता है। यदि प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी और हमें कहीं कट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर कट लग जाता है तो उससे क्या होगा कि जो हमारा खून बहना है वह नहीं रुकेगा, क्योंकि प्लेटलेट्स की वजह से क्या होता है कि जब चोट लगती है खून बहता है तो वह रुक जाता है यानी खून जम जाता है। तो कितने प्रकार के सेल हो गए, पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया आरबीसी, दूसरा कौन सा हो गया डब्ल्यूबीसी, और तीसरा क्या हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। ठीक है, ये प्लेटलेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करता है, ये ब्लड क्लॉथिंग में हेल्प करता है, यानी जब हमें चोट लगती है तो क्या होता है, जब खून जम जाता है, और यदि प्लेटलेट्स की कमी होगी तो खून नहीं जमेगा। प्लेटलेट्स अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में है, सही मात्रा में, राइट क्वांटिटी में, तो क्या होगा, खून जम जाएगा। ठीक है, तो थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स हम पढ़े। ओके, आगे देखिए ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब क्या हुआ, खून की नलियाँ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी, हमारे बॉडी में तरह बहुत तरीके के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। यू नो डैट ड्यूरिंग इन्हेलेशन ए फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग। हम जानते हैं कि इन्हेलेशन के समय यानी जब हम सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इन्हेलेशन कहते हैं, जिसे हम चैप्टर 10 में भी पढ़ चुके। तो फ्रेश ऑक्सीजन जो होता है वो हमारी लंग्स में जाता है, हमारे फेफड़ों में जाता है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, उसके बाद ऑक्सीजन का पूरे बॉडी में क्या होना रहता है कि ट्रांसपोर्ट होना रहता है, जो हमारे बॉडी लंग्स में जाता है। लंग्स के अलावा हमारे बॉडी में अलग अलग और भी सारे पार्ट्स हैं, उसमें भी ऑक्सीजन का पहुंचना जरूरी है, तो उसके बाद वह बाकी सभी पार्ट्स में जाता है। ऑल्सो ब्लड पिक अप वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल, और साथ ही साथ ब्लड क्या करता है कि जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हमारे सेल से ले भी लेता है। The blood has go back to the heart and transport to the lungs for removal of carbon dioxide as you have learned in chapter 10. जैसा कि हम chapter 10 में पढ़ चुके हैं कि blood वापस से कहाँ जाएगा, heart में जाएगा। heart में जाने के बाद क्या होगा, वो वापस से लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाने के बाद से वापस से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे, तो यानी इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन करेंगे। इन्हेलेशन में हम फ्रेश ऑक्सीजन लेंगे और एक्सहेलेशन में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालेंगे। सो टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, आर्टरीज और वेन्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर डायग्राम यहाँ पे देखिए इसमें दिखाया गया है, दो तरह के क्या पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स। ये क्या है, ये दोनों दो तरह के ब्लड वेसल्स हैं। कौन कौन से हो गए, आर्टरीज एंड सेकेंड वन इज वेन, दो तरह के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। आगे देखिए, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करता है कि वैसे ब्लड को लेता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, यानी आर्टरीज में कौन सा ब्लड बहेगा, आर्टरीज कौन सी कलर की हो गई, आर्टरीज रेड कलर की हो गई, और इसमें कौन सा ब्लड रहेगा जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, वह ब्लड किस में जाएगा, आर्टरीज में जाएगा। आर्टरीज में कौन सा ब्लड जाएगा जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, वह किस में जाएगा, आर्टरीज में जाएगा। तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करता है, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है उसको हार्ट से ले लेता है और हमारे पूरी बॉडी में उसको सप्लाई करता है। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट ए हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, क्योंकि ब्लड का फ्लो काफ़ी तेज होता है और प्रेशर के साथ होता है, इसीलिए जो आर्टरीज के वॉल होते हैं वो काफ़ी थिक इलास्टिक होते हैं, यानी इलास्टिक टाइप्स के उसके वॉल होते हैं, मोटे इलास्टिक टाइप के वॉल होते हैं। लेट अस परफॉर्म ए एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज, आर्टरीज से ब्लड का फ्लो किस तरीके से होता है इसको जानने के लिए हम एक एक्टिविटी देखेंगे। प्लेस द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट, आपको इस तरीके से जैसे डायग्राम में दिया है इस तरीके से करना है। क्या करना है, अपने दो उंगलियों को, अपने एक हाथ की दो उंगलियों को अपने दूसरे हाथ की क्या करना है, दूसरे हाथ का जो लेफ्ट वाली कलाई है उस पर रखना है। ठीक है, कैन यू फील सम थ्रोबलिंग मूवमेंट, तो क्या होगा, आपको वहाँ पर हल्का सा बीटिंग टाइप का लगेगा, यानी धक धक टाइप का लगेगा छूने पर। वाई डू यू थिंक देयर इज इट
थ्रोबलिंग, तो वहाँ पे आपको इस तरीके का जैसे लगेगा कोई चीज़ चल रही है या कोई चीज़ बीट कर रही है, क्यों महसूस हो रहा है? दिस थ्रोबलिंग इज कॉल्ड पल्स, इसी को क्या कहते हैं? पल्स कहते हैं। एंड इट इज़ ड्यू टू ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज, और ये किस वजह से होता है? क्योंकि ब्लड जो है वो आर्टरीज में फ्लो करता है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन वन मिनट, एक मिनट में कितनी बार वो पल्स बीट हो रही है उसी को आप काउंट करिएगा। हाउ मैनी पल्स बीट कुड यू काउंट, आपने कितने पल्स बीट को काउंट किए? द नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट, तो जितने बार वो बीट करेगा यानी जितनी बार यहाँ पर आपको इस डायग्राम में जब आप इस तरीके से हाथ रखेंगे तो जितनी बार आपको बीटिंग का अनुभव होगा एक मिनट में, वही क्या कहलाएगा? पल्स रेट कहलाएगा। एक मिनट में जितनी बार आपको बीटिंग का अनुभव होगा वही उसका क्या कहलाएगा? पल्स रेट कहलाएगा। रेस्टिंग पर्सन यूजली हैज ए पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। रेस्टिंग पर्सन मानी मतलब एक पर्सन अगर कोई रेस्ट में है तो उसका बीटिंग 72-80 पर मिनट होता है, यानी एक मिनट वो 70 से 80 बार बीट करता है। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील पल्स, इसके अलावा अपने बॉडी में और ऐसे प्लेसेस को फाइंड करिए जहाँ पे आपको पल्स का अनुभव होता है। रिकॉर्ड योर ओन पल्स पर मिनट एंड दोज योर क्लासमेट, और इस तरीके से आप इस एक्टिविटी को अपने अपने क्लासमेट के साथ करिए, और यहाँ पर एक टेबल दिया है इसमें फील करिए। अब देखिए वेंस क्या होता है, वेंस आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द बॉडी from all parts of the body and back to the heart. क्या करता है वेंस का काम क्या होता है? वेंस क्या है? एक वेसल्स है जो क्या कैरी करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है वो किस कलर का है, उसका ब्लड वेसल्स किस कलर का दिखाया गया है डायग्राम में? उसका ब्लड वेसल दिखाया गया है ब्लू कलर में, और जो ऑक्सीजन रिच है वो क्या दिखाया गया है? वह दिखाया गया है आपको रेड करेगा, यानी जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा वह प्योर होगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होगा वह इम्प्योर होगा। तो देखिए जो ब्लड वेसल्स है जो क्या कैरी करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करता है फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारे सभी बॉडी, हमारे बॉडी में जो भी इम्प्योर ब्लड होंगे उसको वेंस कैरी करेगा, और कहाँ ले जाएगा वापस से? उसको हार्ट में ले जाएगा। हार्ट में क्या होगा? वहाँ पे पंपिंग होगा। द वेंस हैव ए थिन वॉल, वेंस का वॉल क्या होता है? जैसे उसका इलास्टिक वॉल थिक होता है आर्टरीज का, वैसे इसका क्या होता है? इसका वॉल्स जो होता है वह पतला होता है। दीज देयर आर वॉल्व्स प्रेजेंट इन वेंस, और वेंस में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे वॉल्व्स पाए जाते हैं विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूअर्ड हर्ट, और जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है कि जो ब्लड का फ्लो होगा वह केवल हर्ट में होगा। तो ठीक है, देयर आर वॉल्व प्रेजेंट इन वेंस विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूअर्ड द अर्थ, जिसके वजह हर्ट, इसकी वजह से क्या होगा कि वेंस में जो होती है, वेंस की वॉल पतली होती है और इसमें वॉल्व्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो वॉल्व्स की वजह से क्या होगा कि जो ब्लड का फ्लो होगा, जो ब्लड के फ्लो करने का जो अलाउमेंट होगा, यानी जिस तरफ वो फ्लो करेगा वो क्या होगा? केवल हर्ट की तरफ जाएगा, वो बॉडी से हमारे हर्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, उसी का एक सिस्टमेटिक डायग्राम भी यहाँ पे दिया हुआ है। ब्लड डोनेशन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेबिलिटी ऑफ ब्लड, कई सारे लोग क्या होते हैं कि ब्लड की कमी की वजह से मर जाते हैं। वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रीसियस लाइफ, ब्लड के डोनेशन करना क्या है? नुकसानदायक नहीं है और पेनलेस है, यानी अगर कोई व्यक्ति ब्लड देता है तो ना ही उसको कोई हार्म होगा, ना ही उसको कोई पेन होगा, और इसके वजह से कई सारी जिंदगियां बच सकती हैं। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल एंड अदर प्लेसेस ऑथराइज बाई गवर्नमेंट, हम ब्लड का डोनेशन हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं या ऐसी जगहों पे कर सकते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज प्लेस हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स वगैरह जो लगते हैं या ब्लड डोनेशन के लिए जो भी जगह हॉस्पिटल्स में बने होते हैं वहाँ पर हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विथ स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक, जो ब्लड हम डोनेट करते हैं या जो ब्लड व्यक्ति डोनेट करता है उसको क्या कर देता है? उसको स्पेशल केयर के साथ यानी उसको देखभाल के साथ ब्लड बैंक में रखा जाता है। यहाँ देखिए बूझो क्या कह रहा है, आई एम कन्फ्यूज, आई हैव लर्न डैट एन आर्टरीज ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये कह रहा है मैं कन्फ्यूज हूँ, मैंने पढ़ा है, बूझो ने पढ़ा है कि जो आर्टरीज होता है उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड पाया जाता है। ठीक है, ऐसा आप सब ने भी पढ़ा है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो आर्टरीज में पाया जाता है। पहली एक्सप्लेन डट पल्मोनरी आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हर्ट, एक पहली उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वह ब्लड कैरी करती है
हार्ट से, सो इट इज कॉल्ड एन आर्टरी नॉट एन वेन, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं ना कि वेन्स कहते हैं। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स, और ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है उसको कहाँ ले जाता है, लंग्स तक ले जाता है। पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। पल्मोनरी वेन्स जो होता है उसका काम क्या होता है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको हमारे लंग्स से हार्ट तक ले जाता है, ठीक है। तो पहेली ने क्या एक्सप्लेन किया, पहेली ने एक्सप्लेन किया जो पल्मोनरी आर्टरीज होगा वह कैरी करेगा ब्लड फ्रॉम द हार्ट, वह जो ब्लड होगा उसको हमारे हार्ट से कैरी करेगा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज जो होगा वो ब्लड को कैरी करेगा हमारे हार्ट से, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं, वेन नहीं कहते हैं, उसीलिए इसे क्या कहेंगे, आर्टरी कहेंगे, वेन नहीं करेंगे। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स, और ये क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी टू द कार, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स, और ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जिसमें ब्लड में जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी उसको वापस लंग्स फेफड़ों तक ले जाएगा। पल्मोनरी वेन्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द वेन्स, तो पल्मोनरी वेन्स क्या करता है कि जो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक वाला ब्लड होता है उसको लंग्स से हार्ट तक ले जाता है। रेफर टू फिगर 11.3, फिगर 11.3 देखिए, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज दिया हुआ है, पल्मोनरी वेन्स दिया हुआ है। Do you see that arteries divide into smaller vessels? क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो arteries हैं वह छोटे छोटे पाइप के रूप में विभाजित हैं। On reaching the tissue, they divide further into extremely thin tubes called capillaries. और जब ये veins और arteries क्या होते हैं, जब एक tissue के पास जाते हैं, जब tissue में मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं, ये छोटी 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 नलिकाएँ बना लेते हैं जिसे क्या कहते हैं, capillaries कहते हैं। देखिए जब arteries और vein मिल जाते हैं कहाँ जाके, tissue में, तो उसे क्या कहने लगते हैं, वहाँ पे क्या बनने लगता है, capillaries बनने लगता है। उसी tubes को क्या कहने बनने लगते हैं, उसी tubes को क्या कहते हैं, capillaries कहते हैं। और ये tube क्या होती हैं, पतली होती हैं। द capillaries join to form vein which इम्पटी इंटू द हार्ट, द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स, द कैपिलरीज क्या हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, वेन्स बना लेते हैं, विच इम्पटी टू द हार्ट, जो कि हार्ट में इम्पटी होते हैं, विच इम्पटी टू द हार्ट, जो हार्ट को क्या करते रहते हैं, इम्पटी करते रहते हैं और ब्लड का फ्लो करते रहते हैं। अब हार्ट के बारे में हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।